थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रामगंगा बिहार रोड पर एक रेस्टोरेंट है, उसमें कब्जे को लेकर किराएदारों ने रेस्टोरेंट मालिक और उसके परिवार को जमकर पीटा। रामगंगा बिहार में रहने वाला कुशांग गुप्ता की सोनकपुर स्टेडियम के पास स्पोर्ट्स की दुकान है, उस दुकान के ऊपर एक रेस्टोरेंट है जो कुशांग गुप्ता ने नूरपुर निवासी प्रियांशु गोयल को 3 महीने पहले किराए पे दे रखा है। कई दिनों से प्रियांशु गोयल व उसका भाई, पिता व बहन और कुछ अन्य व्यक्ति बुरी नीयत से रेस्टोरेंट पर कब्जा करने आ रहे थे। कुशांग गुप्ता ने बताया कि मेरी माँ व बहू और पिता के साथ शुक्रवार की शाम को हाथापाई करने लगे और जमकर मारपीट करने लगे। तब हिमगिरी निवासी शहजादे वहाँ बीच बचाव करने पहुँच गए तो प्रियांशु व उसका भाई, बहन व पिता ने शहजादे, कुशांग, पत्नी ज्योति, पिता अशोक को बुरी तरह मारने लगे और लाइसेंसी रिवॉल्वर व चाकू से वार करने लगे। आनन फानन में हम किसी तरह से वहां से भाग निकले। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। जी, मेरा नाम कुशांग गुप्ता। क्या मामला था पूरा? स्पोर्ट्स करके शॉप है, तो मेरे जो किराएदार हैं आज उन्होंने मेरे को बहुत मारा और ये कहा कि हम तेरे घर पे कब्जा कर लेंगे। और उनके जो फादर थे वो रिवॉल्वर लेके आए। मेरी वाइफ को भी बहुत मारा है, मेरी मम्मी को भी, मेरे पापा को भी। मेरे पापा का चश्मा टूट गया और आप ये सब देख रहे होंगे, आँखों पर बहुत मारा है, रिवॉल्वर तानी है मेरे ऊपर। और तो वो गुंडागर्दी कह रहे हैं कि अब हम कब्जा कर लेंगे तेरे से, जो हो वो तू कर ले। कि उन्होंने ये चीज़ कर ली। तो कौन लोग हैं, क्या नाम है उनके? नूरपुर के निवासी हैं और प्रियांशु गोयल नाम है इनके बेटे का, और इनके फादर का मेरे को नाम का ध्यान नहीं, वो सब लिखा हुआ है एग्रीमेंट में। आपके यहाँ क्यों आए थे वो, मतलब क्या कर रहे हैं? आपने रहते हैं कब दिया रेंट? ये हमने 3 महीने पहले दिया था। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, ये नूरपुर के रहने वाले हैं। कह रहे हैं हम नूरपुर के हैं, तेरे से जो हो तू वो कर ले, तेरे मुरादाबाद में आके तेरे को मारेंगे और तेरे घर पे कब्जा करेंगे। पुलिस ने शिकायत की? जी, लिखित में शिकायत कर दी है। और ये हमारे साथ ये शहजादे अंकल हैं, इनको भी बहुत मारा है, उनके तो कांटा मारा है। तो अब क्या चाहते हैं? जी, मैं तो यही चाहता हूँ इनके ऊपर कार्रवाई हो और ये जेल में जाएं। इन्होंने क्योंकि जान से मारने की धमकी दी और रिवॉल्वर निकाल के हमारे को कराया और मेरे पापा पे रिवॉल्वर तानी है। कितने लोग 15-20 जने थे, इन्होंने मुझे बहुत मारा है और ये कह रहे हैं कि हम गुंडे हैं, तेरे घर पे कब्जा कर लेंगे और तू तेरे से जो हो वो कर लियो। ये है सर, ये अब चौकी पे क्या बात हो रही है? चौकी पे शिकायत दी आपने? और ये है चौकी शिकायत दी आपने? चारों मेडिकल करवाने, इन्होंने उन लोगों ने मेरे को बहुत मारा है। मेरी आँख में सूजी पड़ी क्या? बहुत बुरी तरह मारा है, आप देखेंगे जाके। इन्होंने चाकू तक उठा लिया था अंदर से, मेरे को बहुत मारा है इन लोगों ने। मैंने नहीं मारा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मारा क्यों? इन्होंने मेरी मम्मी को धमकी दी, मेरे को घर से उठवा लेंगे, मेरे को मर्डर की धमकी दी इन लोगों ने। दुकान में घुस के मारा? दुकान में घुस के मारा? मैंने इन लोगों को मारा सर। दुकान में घुस के मारा? दुकान में घुस के मेरी जगह पे ही मारा सर, ऊपर के सर। ये नूरपुर के हैं, गुप्ता है। ये देखो अभी भी सर ऐसे ही खड़ा हुआ है। क्या क्या नाम है सर? ये प्रियांशु गोयल है और इनके भाई है और इनके बाप ने बहुत मारा है सर। मेरी बीवी को भी मारा, बीवी भी आ जाएगी अगर आप। महिला भी मार, मम्मी को भी बहुत मारा है सर। तो ये क्या होटल में मारपीट हुई है? हाँ सर, होटल में बहुत मारा इन लोगों ने, सेकंड फ्लोर में नीचे सर। इसने कुशांग ने जाकर बोला होगा कि भाई ऐसे ऐसे ये हुआ है, हम सही करवा देंगे, रिपेयरिंग करवा देंगे। अब उसी में इन दोनों की आपस में बात हो गई होगी। तो इन्होंने रेंट पे दे रखा है ये? हाँ जी, रेंट पे दे रखा है। अच्छा, दोनों की आपस में ऐसी बात हो गई फिर उसमें चलो हो गया मामला। फिर इन्होंने अपने मम्मी पापा को, पापा और भैया को बुलाया। अब पापा और भैया को बुलाया, पापा भैया इन पे बहुत मेरे से बोल कर गए, जबकि मैं बहुत सॉरी कह रही थी और मैंने अपने नाम को बताया ना मामला। और इन्होंने मेरे को बहुत धमकी दी कि अगर नूरपुर होता तो इसे हम बिस्तर पे लिटा। नूरपुर कौन है? नूरपुर के कौन है? बदमाश क्या है? नूरपुर के। क्या क्या नाम है? नाम क्या है इनके? अरे कब से ले रहे थे ये लोग? नहीं अभी एक दो महीने रेंट पे लिए थे उन्होंने अभी। तो बात क्या थी जिस वजह से झगड़ा? बस जरा सी से कोई इशू नहीं था, बस वही जरा सा हमारा कंसेप्शन चल रहा था। बंदूक कौन निकाल के लेके आया था? अब ये नूरपुर वाले यार निकाल के आया था। तो उसने जो जिसके चोट लगी है ना उसने देखी है। कितने महिला के चोट लगी? महिलाओं के भी लगी है? मेरी बहू से। आपके लिए कहाँ लगी उनके? उसके बाल बांध। महिला साथी मार पीट रही है? हाँ, और मतलब कि जिसके चोट लगी है ना निकला। आपके साथ भी अव्यवस्था हुई है? हैं जी, आपके साथ भी अव्यवस्था हुई है? नहीं, मैं तो नीचे थी अपनी शॉप पर। क्या नीचे थी? ऊपर हाँ, शॉप ऊपर थी। लेकिन नहीं, हमारा मामला बिल्कुल सुलझ गया था। सॉरी कह दी थी कि भाई अब जो भी है हम सॉरी बोलते हैं। फिर इनके फादर और भैया आया,
तो मैं कह रही थी, मैंने कहा इन लोगों ने ऐसे धमकी दी थी कि मैं अगर नहीं, बेटे को ये इन्होंने बोला कि तू हमको फोन जब करेगा, जब इधर कांड कर देगा, जब तू कर देगा, हमला किया है काफी। हाँ, फिर वो आए और उन्होंने बोला कि भाई बात ऐसी हो रही थी हमारी, सॉरी वगैरह, हम लोगों को समझे मामला शांत कर दिया था। तो मैं ये बोली कि इन लोगों ने ऐसे कल कहा था, तो वो फादर बोले हाँ मैं तो अभी कह रहा हूँ, नीचे आओ अभी फाड़ दूंगा तुम्हें। अच्छा, ये कौन है? ये नूरपुर के रहने वाले हैं ये? क्या कारोबार करते हैं ये? केमिस्ट की दुकान है। अच्छा, अब शिकायत दी थी आपने? शिकायत दी थी आपने? शिकायत अभी दे दी है। दे दी है, क्या चाहती हो आप? नहीं कुछ, हमको यही है कि मामला अपना। आपके बेटे के साथ ये घटना घटी है? क्या नाम है बेटे का? बेटा, अब महिला कौन है आपकी? मेरी दोनों साथ मारपीट करी है, बेटे बहू के साथ में? तो सारे के साथ करी है। जिनके साथ हमला हुआ उनका नाम क्या है? और दूसरा चोट जो लगी उनके क्या नाम है? शहजादे। शहजादे। दो तीन लोग घायल हैं? दो तीन लोग घायल हैं। मेरे हस्बैंड को गिराकर मारा। कब की घटना है? ये अभी शाम की है, 4-5 बजे। तो अब आप कहाँ आए हो? क्या पुलिस की काम कर रहे थे? ठीक है, ठीक है, तो हमने बचाने, तो आप खराब ही हो गई। ठीक है।